वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले बताते हैं कि आपने किस तरह सब्सक्राइब बटन ऐड करना है। हमने गूगल क्रोम ओपन करना है। क्रोम ओपन करने के बाद हमने यहाँ पे वेबसाइट ओपन करनी है, pixabay.com। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी, PIXABY pixabay.com लिखना है। pixabay लिखेंगे तो pixab लिखने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। इसके बाद हम कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, वीडियो कैटेगरी हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हम ग्रीन स्क्रीन अपनी डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले सब्सक्राइब लिखते हैं। सब्सक्राइब लिखने के बाद यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, सर्च कर लेंगे। फिर उसके बाद हमारे सामने काफ़ी सारे वीडियोस आ जाएंगी, जो आपको पॉपुलर वीडियो जो अच्छी लगे आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कितनी सारी वीडियोस हैं, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। तो जैसा कि मेरे सामने अब ये एक वीडियो आ गई है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। इसका कॉपीराइट नहीं है, तो इसको आपने कम से कम जो है 1280x720 की क्वालिटी में डाउनलोड करना है, नहीं तो आप मीडियम किसी भी क्वालिटी में डाउनलोड कर ले, कम से कम वो क्वालिटी है। ये डाउनलोड हो गई हमारी फ़ाइल। इसके बाद हम आ जाएंगे अपने होम स्क्रीन पर। होम स्क्रीन पर आने के बाद अपनी ऐप ओपन कर लेंगे, यू कट ऐप ओपन करके न्यू प्रोजेक्ट। तो यहाँ से हम कोई भी वीडियो सिलेक्ट कर लेते हैं। जस्ट लाइक मैं यहाँ से देख रहा हूँ, कोई भी वीडियो सिलेक्ट करता हूँ। ये मेरे सामने एक वीडियो आ चुकी है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। और बच्चे की वीडियो है, इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने जो है ये आप ऊपर बॉर्डर लाइन देख रहे हैं, इसके अंदर ये पीप लिखा हुआ PIP, ठीक है। आपने इसको ये क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद सबसे पहले वो जो हमने स्क्रीन ग्रीन स्क्रीन डाउनलोड की थी सब्सक्राइब की, वो ऐड कर लेनी है। ऐड करने के बाद हमें ये बीच में एक सेंटर में क्रोमा की का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो क्रोमा की ऑप्शन में हम ग्रीन स्क्रीन पर लेके जाएंगे। और इसकी जो है स्ट्रेंथ वो हम तकरीबन 70-80 के दरमियान रखेंगे। तो रखने के बाद आप इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, जहाँ पे शिफ्ट करना चाहते हैं, जहाँ पे लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। तो ये स्क्रीन छोटी है फ़िलहाल, हम इसको थोड़ा हम बड़ा करते हैं। तो ये हमने इसको बड़ा कर लिया। बड़ा करने के बाद फिर हम इस अपनी वीडियो को सेव कर देंगे। ऊपर सेव का ऑप्शन है, यहाँ से सेव कर देंगे।